सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का लंच बॉक्स, अब होगा हर टेंशन दूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल की ऐसी रेसिपी जिसे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या तो सुबह के नाश्ते में बना के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा। इसे बनाने के लिए हमने आधा कप चने की दाल को अच्छी तरह से धो लिया था और इसे रात भर के लिए सोक कर लिया है, तो ये फूल के काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसमें हम डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल लेते हैं, लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो चने की दाल को सोख करके रखा है उसे हम इसमें डाल लेते हैं। तो इसका सारा पानी हमने हटा लिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें इस तरह से चलाते हुए पकाना है जिससे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट ही भूनना है, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो चने की दाल है उसे हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हमने इसमें धनिया का पाउडर डाल लिया है, 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो मसालों को हमें इसमें 1 मिनट के लिए भून लेना है ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता होता है खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप अगर कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी इस नाश्ते को बना के लेके जा सकते हैं। मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसमें 1/4 कप डाल लेते हैं पानी, या तो आप पानी इतना डालें कि जो इसमें चने की दाल हमने यूज़ किया ना वो थोड़ा डूब सा जाए इसमें। देखिए, तो इस तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हम ढक करके पकने के दे देते हैं ताकि इसमें जो भी थोड़ी सी कच्चापन रह गया है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो पानी है बिल्कुल वो रिड्यूस ना हो जाए। और इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला है 1/2 छोटा चम्मच। आमचूर पाउडर की जगह आप यहाँ पे चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे हमने ढक के पकाया है, बीच बीच में हमने इसे 1-2 बार चला भी लिया है। तो ये देख सकते हैं इसमें का पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है और ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं, तो इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, तो ये गेहूं का आटा है, 1.5 कप आटा हमने लिया है। 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच डाल लेते हैं ऑयल। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। तो इसका हमें आटा लगा के तैयार करना है। तो इसका जो आटा हम लगाएंगे बहुत ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे हम हार्ड रखेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डो तैयार है और यहाँ हमने स्टफिंग को एक मिक्सर जार में डाल लिया है, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो 2 बार करके हमने स्टफिंग को ग्राइंड कर लिया है और इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं किया है। अब हम यहाँ पे डो से थोड़ी सी एक लोई ले लेते हैं छोटी सी, और इस तरह से हम इसमें स्टफिंग को भरेंगे। तो पहले इस तरह से हम इसे कटोरी जैसा शेप बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छा सा शेप दे दिया है। अब हम इसमें स्टफिंग को भर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 चम्मच के जैसा आप इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना डालें वरना जब फ्राई करेंगे तो ये फूट भी सकते हैं। तो जैसे हम भरवा पराठा बनाते हैं या कभी भी कचौड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से हम इसे स्टफ़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे स्टफ़ कर लेना है। आप चाहें तो इसमें धनिया का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से हमने पैक कर लिया है और अब हम इसे बेल लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इसे फैला सकते हैं या तो फिर इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे बेल लें। तो हल्के हाथों से हम इसे बेल लेते हैं ताकि ये बिल्कुल भी फटे नहीं। कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म इसे हम नहीं करेंगे। और इस तरह से हम इन कचौड़ियों को फ्राई करते जाएंगे। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ आप ध्यान रखें कि इसे आप हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे। तो इसे आप धीमी धीमी आँच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। बिल्कुल अलटते पलटते हमने इसे फ्राई किया है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फूल के तैयार हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। तो जब भी आप किसी सफ़र में जा रहे हो, बच्चों के लंच बॉक्स में इसे दे रहे हो, तो आप इसे अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये कचौड़ी जो है बिल्कुल स्टफिंग से भरा हुआ, आप इसे कचौड़ी कह सकते हैं या तो दाल की पूड़ी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं।